बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और खुश रखे और हंसता बसता रखे, और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, और जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शफा दें। आमीन सुम आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपना ब्लॉग जो है शुरू करते हैं। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक जो है आज जो, और आप सबकी, आप सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। ईद जो है ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है, हमारी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। और आप भी बताइएगा कॉमेंट में। तो जी, जो हमारे चैनल पर नए आने वाले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो जी, अभी जो है मैं रोटी बना रही हूँ दोपहर की। अभी भी जो है मेरे हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ कर आए, और मेरा बेटा भी, और मैंने भी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पढ़ी है। तो अब जो है मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो मैं इंतज़ार करती कि थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर छाएँ आ जाए तो बना लूँगी, लेकिन जो है छाएँ नहीं आने वाली, तो उन्हें कहा बना ही लेती हूँ बस। तो अब जो है मैं बनाना शुरू करती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं इस पर से जो सुहा वगैरह है मैंने निकाल दी है तनूर में से। अब जो इसका मैं ना जलाना शुरू करती हूँ। अभी जो है मैंने आटा गूंद लिया है, छापे हुए उठाती हूँ। पतली पतली चीजें लग रही है उठाती हूँ। और साथ में जो है कुछ जो है छापे भी उठाती हूँ। माचिस को से कहाँ पर रखते हैं, माचिस तैयारी, और जो शापर जो है भी खाती हूँ। हमारे शापर भी जो है वो भी बहुत काम के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है तंदूर की रोटी खाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तंदूर जो है इस तरह से जलाते हैं, शापर वगैरह लगाते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं तनूर जो है माशाल्लाह से जो है जल रहा है। और जो है मैं अपनी जो है न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो है वो आज जो है सब्ज़ी जो है ना ली नहीं है, तो कुछ जो है ना प्रॉब्लम थी इस वजह से हमने नहीं ली। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मैंने जो न्यू रेसिपी जो शेयर करनी है आपके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो खाएंगे भी सी, तो वो जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो पूरी देखती रहनी है। तो न्यू जो रेसिपी वो दिखाती हूँ मैं आप। जी, तो ये जो रेसिपी है ये जो है पकाने की नहीं है, ये सिर्फ जो है इसको मैं बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको जो है थोड़ी सी देर के लिए मैंने उल्टा करके रख दिया, थोड़ा सा पानी जो है ना इसका जो है ना निचड़ जाए, तो फिर जो है मैं ये चटनी बनाती हूँ। जो न्यू रेसिपी वो है ये है रेसिपी जो कि मैं चटनी बना रही हूँ, टमाटर और हरी मिर्ची की। इसको पकाना नहीं है, इसको सिर्फ कूटना है और खाना है, और बहुत अच्छी बनती है, लजीज बनती है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनती है। तो आज जो है मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में जो है नमक भी लेकर आ जाती हूँ, तंदूर भी अच्छा जल रहा है माशाल्लाह से। जी, तो पानी इसका जो है ना मैंने अच्छी तरह से जो है ना निचोड़ लिया है, तो इसलिए कि क्योंकि जो है ना हरी मिर्चों को फूटो तो इसके पानी आंखों में आता है इस वजह से। तो जी, अब शुरू करते हैं अपना काम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो इस तरह से खोलते हैं, तो इसमें जो है नमक मैं ऐड कर रही हूँ ताकि जो ये हरी मिर्ची जो है ना अच्छी तरह से ये पीस जाएगी। नमक जो डालो ना इसमें तो ये हरी मिर्ची अच्छी तरह से पीस जाती है। ये देखिए जी, ये रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार होती है। ये आप भी ट्राई कीजिएगा, जब कुछ भी ना हो खाने के लिए तो फिर आपने ये रेसिपी जो है ना ट्राई करनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन आए कि जो कि आपके पास कुछ ना हो, तो वैसे भी ऐसे हो जाते हैं कभी कभार। अल्लाह खैर करे, आप सबके अपने जमान में रखे और अल्लाह पाक जो है ना बहुत दे आपको। इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेती हूँ जी, तो देख सकते हैं अच्छी तरह से जो है ना मैंने इसको पीस लिया है। तो हरी मिर्ची जो है ना मैंने कम डाली है, वो इस वजह से क्योंकि जो है मेरे बेटे ने भी खाना है, तो इस वजह से इसको जो है ना मिर्ची ज़्यादा ना लगे। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से जो है वो अभी छोटा सा है, तो अभी इतना जो है ना वो मिर्च खा नहीं सकता जी। तो मैंने इसको जो है पीस लिया, ये देखें इस तरह से। और जो है अब टमाटर जो है वो ऐड करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से अब इसको जो इसको पीसती हूँ। इस टमाटर को भी जो है ना अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इसका पानी जो है ना यार, इसलिए मैंने हरी मिर्च जो है ना निकाल ली, क्योंकि इसका भी पानी और मिर्चों का पानी जो है ना फिर आंखों पे और मुंह पे लगता, तो इसलिए मैंने जो है ना हरी मिर्च जो है निकाल। तंदूर भी जो है अब जलने ही वाला है, तंदूर भी अब रेडी है जी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जी टमाटर और जो है हरी मिर्ची की चटनी और नमक थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, इसको आप अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं। तो ये चटनी जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये देखें। तो अब इसको जो है मैं रखती हूँ, आटा जो है वो उठा के लेकर आती हूँ। जो तनूर माशाल्लाह से जो है वो जल गया है, अब जो है जल्दी जल्दी से जो है इसको रखती हूँ। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं, तो इसके लिए मार्का तो नहीं पता कोई आया हुआ है, तो शायद औरतें जो है जमा हुई हैं। तो अब जो है अपना खाना बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पहले तो जो है मैं पेड़े बना लेती हूँ। ये छोटा तनूर है, तो इसलिए छोटे छोटे से जो है पेड़े इसलिए बनाती हूँ मैं, क्योंकि तनूर जो है छोटा सा है, क्योंकि हमारी फैमिली भी तो छोटी सी है, तो इस वजह से तनूर भी छोटा है। इस तरह से जो है मैं पेड़े बनाती हूँ, पेड़े बना लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी देखें जी कितनी खूबसूरत रोटी जो है ये बन रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बन गई है, इसी तरह से ये वाली भी बन गई है। तो इसी तरह से जो है मैं सारी रोटियां जो है बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरी रोटी बन के।
और तंदूर की रोटी तो कितनी खूबसूरत लगेगी, कितनी अच्छी लगती है तंदूर की रोटी, और जो है साथ में चटनी, मज़ा आएगा खाने में बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप, तो हमारी फैमिली के लिए जो है छोटा सा ऐसी तंदूर है। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत रोटी, ये देखिए जी, जी तो रोटी जो है मैंने बना ली है और अब जो है खाना खाते हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप तंदूर की रोटी और साथ में जो है ये चटनी और साथ में ये दोरी लेकर आ गई, इसको जो है मैं साफ कर लूँगी, तो इस वजह से जो है इसको लेकर आ गई, तो पानी की बोतल भी ले लेती हूँ। जी तो पहले जो है मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि घर में जो है बहुत ज़्यादा है और मैं जो है यहाँ पर फैन भी नहीं चला सकती क्योंकि वीडियो बन रही है और तंदूर पर रोटी लगा कर रही हूँ, तो इस वजह से गर्मी और धूप में बैठना पड़ा है इस वजह से। तो आज थोड़ी सी लेट भी हो गया, हम खाना खाने में दोपहर का खाना जो है जल्दी होता है, लेकिन आज जुम्मा था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमने सब ने नमाज़ पढ़ी, तो जुम्मा पढ़ने के लिए गए थे, तो मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा है जो, तो वो उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ कर जब हम आएंगे तो तभी इंशाल्लाह खाना खाएंगे, तो इस वजह से मैंने जो है ना आज खाने में जो है ना लेट कर दिया खाना बनाते हुए, और पकाने के लिए कुछ था भी नहीं, तो मैंने जो है ना ये बस ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो यही जो है ना हम खाएँगे। और हम अल्लाह पाक का जो है ना शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतना तो नसीब किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का, ये भी तो अल्लाह पाक ने ही, अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ें तो हम खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और जिनके पास तो कुछ भी नहीं होता खाने के लिए वो भी तो रह रहे हैं ना, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं लाख लाख के हमें अल्लाह पाक ने ही साल में हमें रखा हुआ है और खाना भी हमें 3 टाइम का मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो पानी भी लेते हैं जो है खाना खाते हैं फिर। तो ये बेटे के लिए जो है मैंने थोड़ा सा जो है ना मिर्ची जो है ना कम डालनी है क्योंकि मेरा बेटा भी जो है वो भी खाएगा, और खाना खाना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस जिस बहन भाई ने खाना खाना है तो आ जाए आप हमारे साथ खा सकते हैं, तो बहुत मजे की बनेंगे और तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। मैं तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि हम तीनों ने खाना ही है, मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे बेटे ने भी और मैंने भी, हम तीनों ने खाना, तो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, उसको भी साफ। मिर्ची है थोड़ी सी, वैसे भी चटनी कम कम लगा के खाई जाती है पर हमें ये काफ़ी है, शुक्र है मालिक का, अल्लाह का शुक्र है लाख का। बस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें प्लीज़। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खाना खा लिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।